गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। मैं सेल्फ कीर्ति गुप्ता एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। बेटा, इससे पहले के टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। द टॉपिक इज एडवर्ब। क्या टॉपिक का नाम क्या है बेटा हमारे? एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि जो हमारी क्रिया होती है, हम लोग वर्ब यानी कि हमारी क्रिया, और एडवर्ब क्रिया विशेषण। अब हम लोग इसमें विशेषता पढ़ने वाले हैं। देखिए, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब एन एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। एडवर्ब जो होती है वो क्या, वर्ब को डिस्क्राइब यानी कि दर्शाती है एक एडजेक्टिव या फिर किसी एडवर्ब के नाम से कहलाती है। इट टेल्स अस हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच एंड विद व्हाट फ्रीक्वेंसी। ये हमें क्या क्या बताती है? हाउ यानी कि कैसे, वेयर कहाँ, व्हेन यानी कि कब, हाउ यानी कि कितना, मच यानी कि कितना ज़्यादा या कितना कम, एंड विद व्हाट फ्रीक्वेंसी, और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या कैपेसिटी है, इस सब चीज़ों के बारे में एडवर्ब हमें बताती है। तो एन एडवर्ब कैन टेल, अब एडवर्ब हमें क्या क्या बताती है? देखो, सबसे पहले हाउ। हाउ मीन्स कैसे, तो उसकी क्वाइटली, हाउ यानी कि कैसे, शांत, पीसफुली यानी कि बहुत आराम से, केयरफुली ध्यानपूर्वक, स्लोली यानी बहुत धीरे से, बैडली बहुत बुरे तरीके से, क्लोजली बंद करके, इजीली आसानी से, वेल यानी कि ठीक है, फास्ट जल्दी, क्विकली वो भी और तेज़, चेयरफुली किसी को प्रोत्साहन देते हैं हम लोग, इफेक्टिव एफिशिएंटली। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा, एफिशिएंटली हम लोग पढ़ रहे हैं यानी कि थोड़ी अपनी मेहनत करके, पेनफुली दर्द सह करके, और लास्ट हमारा सीक्रेटली छुपा कर हम किसी भी चीज़ को करते हैं जब, ठीक है। अगला है हमारा वेयर यानी कि कहाँ, अबव ऊपर की तरफ, एब्रॉड यानी कि दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में, फार बहुत दूर, अवे दूर चले जाओ, बैक यानी कि पीछे, हेयर यानी कि यहाँ, आउटसाइड बाहर, बैकवर्ड पीछे की साइड, बिहाइंड वो भी यानी कि हमारे पीछे, बिलो यानी कि वो नीचे की साइड है, डाउन नीचे, इंडोर अंदर की तरफ, डाउन स्टेयर्स नीचे की तरफ सीढ़ियों में, इनसाइड अंदर, नियर बाय आसपास, ऐसे सब कुछ वर्ड्स में दिए हुए हैं। ऐसे इधर की तरफ, समझ में आ रहा है बेटा आपको जितना मैंने आपको अभी तक बताया? अब उसके आगे आता है हमारा व्हेन। अभी हम लोगों ने हाउ और वेयर पढ़े, अब हम पढ़ेंगे व्हेन। नाउ, यस्टरडे, सून, लेटर, नाउ अभी, यस्टरडे जो बीता हुआ कल है, सून जल्दी, लेटर बाद में, टुमारो कल, येट यानी कि अभी, एलरेडी यानी कि पहले से हुआ हुआ है, टुनाइट आज रात, टुडे यानी कि आज, देन तब, लास्ट मंथ पिछला महीना, लास्ट ईयर पिछला साल, इस तरीके से। व्हेन यानी कि कब कब की बातें हुई, इसमें हमने ये चीज़ जानी। हाउ मच यानी कि कितना ज़्यादा, क्वाइट शांति से, फेयरली साफ सुथरा, टू ज़्यादा, इनॉर्मजली यानी कि किसी भी चीज़ को बैलेंस्ड करके बनाना, इंटायरली पूरे को, होल एक जगह पे, वेरी बहुत, एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा गंदा लगता है उस चीज़ के लिए, रेदर, ऑलमोस्ट, एब्सोल्युटली, जस्ट, बेयरली, कम्प्लीटली, इनफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब हाउ ऑफ्टन यानी कि कब कब, किस तरीके से होता है, कहाँ हो रहा है, अब इन सब चीज़ों को मिला करके देखो। ऑलवेज यानी कि हमेशा, समटाइम्स कुछ कुछ समय, ऑफ्टन यानी कि देखो, अब इसमें ऑफ्टन जैसे, हाउ ऑफ्टन यानी कि किस मात्रा में, फ्रिक्वेंटली एकदम फ्लो से, कोई भी बात अपने सीधे सीधे बोल देना, किस तरीके से बोलनी है, अटपटाना नहीं, हिचकिचाना नहीं, कुछ भी जो बोलना है सीधा फ्रेंकली बोल दो, नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं, जनरली जैसे हम लोग आपस में जनरली टॉकिंग करते हैं या कुछ भी बातें करते हैं, यूजुअली यानी कि जो रोज़मर्रा में होती है, ओकेजनली जो फंक्शंस के दौरान होती है, सेल्डम, रेयरली, हार्डली एवर, नेवर, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडवर्ब के टाइप्स। क्या पढ़ने वाले हैं अब बेटा हम, एडवर्ब के टाइप्स। अभी मैंने आपको एडवर्ब बताया कि एडवर्ब क्या होती है। एडवर्ब जो होती है वर्ब के डिस्क्राइब करती है एडजेक्टिव और उसके एडवर्ब्स में। उसके बाद में सबसे पहला आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि एडवर्ब जो होती है टाइम दर्शाती है, हम लोगों को अपना काम किस तरीके से करना है, किस दौरान करना है। इसकी कुछ एक्सरसाइजेज जब मैं आप लोगों को नोट्स भेजूंगी उसमें आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस है हमारी कि किस जगह पर हम कर रहे हैं, किस जगह के बारे में बातें हो रही हैं या किस जगह पर जाया जा रहा है। थर्ड, एडवर्ब ऑफ मैनर, हमारे एडवर्ब यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें किस तरीके की मैनर्स आ रही है,
हम प्यार से कर रहे हैं, किसी के साथ में रूड हो रहे हैं या फिर उसकी रेस्पेक्ट के साथ कर रहे हैं, हमारी मैनर्स देखी जाती है। फिर लास्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी कि वो किस डिग्री में हो रहा है, लिक्विड है, फॉर्म है, कैसा है, या उसकी डिग्रीज नंबर में आ रहा है, क्वालिटी में आ रहा है, क्वांटिटी में आ रहा है, डिग्रीज में, ये सारी चीज़ें। टाइम में हम लोग उसका क्या देखते हैं, टाइम वगैरह देखते हैं, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, ऑन द स्पॉट कोई हमें एग्जैक्ट टाइम दिया है, वो सब चीज़ें, प्लेस, इधर जाना उधर जाना, वो सब चीज़ें। मैनर में हमारी सारी मैनर्स देखी जाती है, और डिग्री में यानी कि कोई नंबर दिया है, क्वालिटी दिया है, क्वांटिटी दिया है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आज आप लोगों को एडवर्ब ऑफ टाइप्स पढ़ाए, सॉरी, एडवर्ब के टाइप्स पढ़ाए हैं और एडवर्ब की डेफिनेशन भी पढ़ाई है। ये रही, देखिए, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, इट टेल्स हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच एंड विद व्हाट फ्रिक्वेंसी एडवर्ब कैन टेल। देखिए इसमें क्या बताया हुआ है, एडवर्ब हमें क्या बताता है, एक वर्ब डिस्क्राइब करता है, दर्शाता है, जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में यूज होती हैं वर्ब्स, और इट टेल्स अस, ये हमें बताता है हाउ, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमारी नॉलेज इनसे निकलती है। और फ्रिक्वेंटली यानी कि कोई फ्रिक्वेंसी लिक्विड फॉर्म है या फिर सॉलिड फॉर्म है या फिर कितनी कैपेसिटी है, क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सब चीज़ों के बारे में एडवर्ब में आप जानते हैं, विशेषता बताते हैं मेन तरीके से। इसमें हमारी जो वर्ब है, क्रिया है, उसकी क्या क्या विशेषताएँ, हम वो सब इन चैप्टर में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।